आज वीडियो बनाने का, यहां पे लाइव आने का एक बहुत स्पेशल मकसद है। एक है चेरी मीठा, मालूम है क्या वो चेरी मीठे को? मैं ये बोलना चाहता हूं कि चेरी मीठा, क्या नाम है उसका? उसका पहला नाम था इल्यूमिनाटी उसके चैनल का, लेकिन उसने क्या किया, चेंज किया उसको, चेरी मिनाटी किया, लेकिन उसका असली नाम है चेरी मीठा। ये मीठा पहले सुन, तेरे को क्या लगता है ये टिकटॉकर सब है वो अकेले है वो बेवकूफ है? तेरे को एक आमिर सिद्दीकी जो है उसने तेरे को कुछ बोला या किसी भी यूट्यूब की कम्युनिटी को बोला या जो भी बोला, तो तू उसके बारे में तेरे को बोलना चाहिए था ना, कि सारी जितने लोग हैं टिकटॉकर जो इतनी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं, तू बोलता है कि इन लोग के मुंह ऐसे रहते हैं। अबे तेरा मुंह देखना बे, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, ये देख वो रोटी जल जाती है ना समोसे में, तंदूर के अंदर रोटी डालो तो जल जाती है, तो कैसी हो जाती है, ऐसा तेरा मुंह है। और बहुत तेज हो रहा है, तेरे बाल ऐसे है कि वो कॉकरोच के जब पर खुल जाते तो कैसा हो जाता है, वैसे तेरे बाल है। और तू लोगों की मजाक उड़ा रहा है और तू बोलता है कि ये टिकटॉकर जो है ये तेरी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई बे? हाँ अभी तेरे को बताता हूं, पब्लिक को भी दिखाता हूं। जरूर उठा सकता है कि मैंने मेरी खुद की वीडियो म्यूजिकली से स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, जो अब टिकटॉक से पहले उसका नाम था म्यूजिकली। तो मेरी यो यो बनता है रैपर, अगर तुम वीडियो देखोगे दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय म्यूजिकली। बट उस वक्त मैं ये कहूंगा कि कोई ब्रांड रेडी नहीं था उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो आइडिया ही बहुत बिजार था, बहनचोद किसी को लंड समझ नहीं आया, बट अकेला ब्रांड था तब म्यूजिकली जिसने उसको सपोर्ट दिया। कि इसकी असली लाइफ का शुरुआत हुआ कहां से, ये देखो। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, एक बहुत ही फन ऐप है म्यूजिकली जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, तो प्लीज उसको भी डाउनलोड करो यार, और मेरे जो गाने हैं उसके अंदर रिक्रिएट करो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? बहुत तेज हो रहा है कि मैं ये म्यूजिकली जो एक ऐप है, म्यूजिकली टिकटॉक का, ये मालूम है ना आप लोग को, उसकी वजह से ये मेरी चैनल और जो भी इसका है इसका नाम हो पाया। दूसरा, तूने 07 को टारगेट किया है ना, तूने 07 टीम को टारगेट किया कि सारे टिकटॉकर जिसमें आवेश दरबार है, जिसमें नगमा खान है, अदनान है, जिसमें फैजू है, सद्दू है, सारे अच्छे, फैज है और भी है, मंजुल है, इतने अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, तेरे को मालूम है इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है ना, तो तू इनकी मजाक उड़ा रहा है। अबे छिछोरे, कान के नीचे बजाऊंगा ना तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल पीला और नीला है ना, और हो जाएगा नीचे गीला, भाई को देखेगा ना। तो तू इनको बारे में ये तू बोल रहा है कि ये लोग मेहनत नहीं करते, ऐसे ही दिन में 10 वीडियो बनाते। अबे तू घर में बैठ के हैंगर पे लटक लटक के ऐसा बोल रहा है जैसे मुंह से नहीं गांड से आवाज आ रही है, हाँ ऐसा खींच खींच के बोलता है तू। और इन लोग है ना दिन भर मेहनत करते, धूप के अंदर जाते, अपना कंटेंट निकालते, अपना वीडियो बनाते, उसके बाद ये लोग अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को, ये लोग असली हीरो लोग है, सारे टिकटॉकर जो है ना यूट्यूबर भी है जो अपनी फैमिली को पाल रहे, लेकिन तू जो है ना, तू क्या बे भगवान है क्या बे यूट्यूब का, तो तू अपने आप को ये मान रहा है मीठे? तू मेरे को मिल, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूं, तू मिलेगा ना मीठा, तेरे को ऐसी पप्पी लूंगा ना बेटा, मैं ऐसा चुम्मा लूंगा ना तेरे को मैं, भाई सुना हूं तू मीठा भी है। और इसकी एक और चीज है कि ये हर चीज में ये क्या बोलता है, बेटी चोद, तेरी बेटी चोद, ये जो बे साले, तेरे घर में बहन नहीं है, मां बहन नहीं है तेरे घर में, हां बदतमीज आदमी और यूट्यूबर तुम इसको फॉलो करते हो, लड़कियां जो यूट्यूब पे रिस्पेक्ट मांग रही है, यूट्यूबर लड़कियां जो तुम, चलो ठीक है करो, हाँ रोस्ट करो, ट्रोल करो, ये करो, लेकिन ये चीज को सपोर्ट कर रहे हो तुम। और तेरे को मालूम है आमिर सिद्दीकी को कोई जानता नहीं है ना, उसका नाम लेके बनाएगा तो कुछ होएगा नहीं, तो तूने किसको टारगेट किया 07? वो अदनान है ना, वो बहुत एड़ा है,
मेरे को लगता है क्या भाई, मीठे की सिस्टर अदनान को लाइक करती है, उसकी फैन है, वो वीडियो इसके देखती होगी, उसकी फैन होगी, तो ये मीठे को, मीठा अगर अदनान तेरे सामने आ गया ना तो तेरे को पापलेट मच्छी के जैसा तलेगा और खा जाएगा। हाँ, काटे बहुत तेज हो रहा है, भी नहीं निकालेगा, काटे के साथ खा जाएगा। वो बहुत ढीठ है, वो बहुत ढीठ है। और ये यूट्यूबर्स एक बात याद रखो, और एक वो दूसरा एक है जिसने रमजान के बारे में कुछ बोला कि रमजान के महीने में ऐसा कुछ करके, वो इसका नाम क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये भी मेरे पास वीडियो आया है। बेटा ये जो ये दिल्ली में जो रहता है इसको, इस पे कंप्लेन करो, इसके आईडी को रिपोर्ट करो, और ये जो रमजान के बारे में बोला है उसको मैं मिलूंगा, और ये मीठे से भी मिलूंगा, ये दोनों से मिलूंगा मैं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मिलूंगा। तो ये मीठे तक वीडियो पहुंचा देना कि चेरी मीठा टिकटॉकरों की मेहनत पे और लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला तू कौन होता है बे? हैं भाई, की छटकेगी ना तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी, और तेरी आत्मा ना यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी, याद रखना। अल्लाह हाफिज, दुआओं में बहुत तेज हो रहा है, याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। लव यू यारो, पहुंचा देना मीठे तक, बोलना पप्पा ने मैसेज भेजा है मम्मी के लिए। उन्होंने अभी तक गाइस लाइक नहीं मारा ना वीडियो पे, फटाफट लाइक मार दो भाई, हमारा टारगेट है आई थिंक टारगेट सबसे वर्ल्ड वाइड टारगेट आई थिंक 12 मिलियन कुछ है। हाँ, अगर अगर ठीक है भाई, अगर 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 उस वीडियो पे 12 मिलियन हो गए, अगर उस वीडियो पे, अगर वो वीडियो, ये वाली वीडियो हाईएस्ट लाइक वीडियो बन गई वर्ल्ड वाइड, मतलब इन टर्म्स ऑफ वीडियो, नॉट म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, जो कि कुछ 12 या 13 मिलियन कुछ लाइक्स का गोल है, अगर वो हो गया तो मैं तुम्हारे सामने गंजा हो जाऊंगा, ठीक है? आइए, ओके, ठीक है, मैं गंजा होने को तैयार हूँ, आई डोंट माइंड, इतनी कुर्बानी मैं दे सकता हूँ। हेलो मैडम। हेलो मैडम, देखिए टिकटॉक पे 3 दिन से वीडियो डाली है, कोई व्यूज नहीं आ रहे, आई एम वेरी सैड मैडम, आप कुछ करिए। सर आप बताइए अभी कितने व्यूज है आपकी वीडियो? एक सेकंड मैडम, ये इंग्लिश में लिखा ओ लिखा वहाँ पे, सर वो ओ नहीं वो जीरो होता है। मैं समझ गया मैडम, साफी बेइज्जती। तो मैडम आप करिए कुछ, क्या करें, ऐसे हम कैसे स्टार बनेंगे? सर आपने सेटिंग वगैरह की होगी मैडम? आई एम मैरिड, वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर रेस्टोरेंट बंद है, मैं कहीं जा नहीं सकता। यू शट अप। ओके मैडम, पर मैडम आप बताइए ना हम क्या करें, हम टिकटॉकर हैं, हम क्या करें, हमारी परेशानी हमारी टेंशन दूर करिए। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ, आप अपने फोन में जाइए। मैडम ये बहुत छोटा है, मेरा सिर बहुत बड़ा, मैं कैसे जाऊं? सर फोन में टिकटॉक में जाइए। ओके मैडम, ये चला गया। सर टिकटॉक को प्रेस कीजिए। कर दिया। सर उसमें डिलीट की ऑप्शन आ रही होगी? जी जी जी। सर उसको भी दबा दीजिए। दबा दिया जी। ये तो टिकटॉक ही चला गया। सर टिकटॉक नहीं चला गया, आपकी टेंशन ही चली गई। ओ थैंक यू मैडम, सो जाती आप तो आराम से। ये सब वैसे तो ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कर रहे हैं तो क्रिएटर्स ही, जहां आपको कोलैबोरेट करके यू नो वी शुड मेक इट इवन बिगर, पीपल आर योर अब्यूजिंग एंड यू नो दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और ये सब चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ में, आई थिंक इट्स वेरी बैड एंड यू नो दे शुड एक्चुअली पुट अ स्टॉप ऑन दिस। Why are they creating hate, you know? और स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोज बनाने चाहिए कि हम इंडियंस हैं, इस टाइम पर ऐसी टफ सिचुएशन है, हमें एक साथ होना चाहिए, एक साथ कुछ आप ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करें जिससे यू नो पब्लिक को फायदा हो, ऐसे इश्यूज ना क्रिएट करके कुछ बेटर कॉन्टेंट क्रिएट करने की जगह आप ऐसे कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूथ के दिमाग में पता नहीं आप क्या डालना चाह रहे हैं, इतना अब्यूसिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसको देखकर लोग कमेंट भी अब्यूसिव लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इन्फ्लुएंसर और अ गुड कंटेंट क्रिएटर। बाय अब्यूजिंग समबडी आप क्या आप व्यूज ले रहे हैं या आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? दिस इज व्हाई इज दिस इवन हैपनिंग, व्हाई आर वी इवन इन दिस स्टेट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था। हम इतने सेंसिबल हमारा यूथ है कि हमें समझना चाहिए कि किस मुद्दे पर हमें बात करनी है, किस पे डिबेट करनी है, बट टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स,
सेंसिबल पीपल मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल मेकिंग फन ऑफ देयर ओन एक ही जॉनर हो गया. आप क्रिएटर्स हैं, उनका ही मजाक उड़ा रहे हो. मतलब एब्सोल्युटली सेंसलेस एंड वेरी बैड. आई डू नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल. I completely agree to what you're saying, and मेरे ख्याल से this is totally essential because both are creators and TikTok बनाना भी आजकल there's so much of creativity in TikTok. पुराने ज़माने की तरह नहीं था कि बस एक फ्रेम में आप कर रहे हैं. The way you guys create is brilliant. I think obviously people are enjoying it. It's so entertaining कि you know obviously इतना कोई सबके पास सेंस है. इतने कम टाइम में इतने मिलियन यूजर्स हो गए, इतने लोग बना रहे हैं. और भले ये ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों को आप अब्यूज करेंगे. और ये एक फन ऐप है. इससे पहले डब स्मैश भी था, और ये तो चलो अब इतना लोग इतना हाइप हो गया टिकटॉक को, लेकिन यूट्यूब तो कब से लोग वाइंस बना रहे हैं, कब से ये सब चीजें कर रहे हैं, बट यू नो कभी टिकटॉकर्स ने तो ऐसा कुछ उनके ऊपर बोला नहीं है. और बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें से एक है कि पटेली वही करो जहाँ चले, जहाँ नहीं चले वहाँ पटेली नहीं किया करो तो ही बेटर है. और ये मैसेज हम सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है. इट द एंड ये दोनों प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए है. और इस ड्रामे में मुझे सबसे अच्छा वीडियो स्ले पॉइंट का लगा, और कैरी मराठी के वीडियो ने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, लाइक, व्यूज़, मतलब सोचो लोग कितना घुसे हुए थे टॉपिक के ऊपर. कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह लॉकडाउन हो जाएगा और लॉकडाउन में कांड हो जाएगा. और देखते देखते